जहां पर कोई भी बात आई कहा जाता है कि ये तो हमारे समय का है, ये तो हमारी देन है। कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। कुछ लोग तो समय बीतने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते। हम अपने कार्यों में न केवल इतिहास के किनारे खड़े रहें, बल्कि कभी कभी हम इतिहास बनाने की प्रक्रिया में भी शामिल हुए। ये बात सांसदों के संबंध में इतनी ऊंची कल्पना हमारे प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1957 में व्यक्त की। अगर सदन की गरिमा और मर्यादा बनी रहे तो हम अपनी बात और मजबूती से रख पाएंगे और साथ ही साख भी बना पाएंगे। ये उपदेश नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी का है। ये सदन क्यों नहीं चलने दिया जाता है? इसलिए नहीं कि सरकार के प्रति रोष है, एक इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण नहीं चलने दिया जाता। क्या हम वर्ष में दो सत्र के समय या एक सत्र तय करें, उस पूरे सत्र के दरमियान एक वीक ऐसा हो कि जिस वीक में सिर्फ जो फर्स्ट टाइमर एमपी है उन्हीं को बोलने के लिए निमंत्रित किया जाए। एक हम इसलिए नहीं कि मैं फर्स्ट टाइमर हूं, इसलिए नहीं कि मैं फर्स्ट टाइमर हूं, लेकिन हमें एक ताजगी भरी हवा इस सदन में विचारों की आवश्यकता मुझे महसूस होती है। और ये भी बात है कि हम कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाएं, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है, और इसलिए चीजें समझने में बड़ा समय जाता है। कुछ लोग तो समय बीतने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते। यहां पर कोई भी बात आई से कहा जाता है कि ये तो हमारे समय का है, ये तो हमारी देन है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप ही की तो देन है। अब हमने एक अभियान चलाया स्कूलों में टॉयलेट बनाने का। अब आपकी बात सही है कि मोदी जी, अगर हमने हमारे कार्यकाल में सभी स्कूलों में टॉयलेट बना दिए होते तो तुम क्या करते? ये तो हमने नहीं बनाए, इसलिए तुमने 4 लाख बनाए, ये आप ही के तो देन है। बांग्लादेश की सीमा का विवाद, इतने दशकों के बाद बांग्लादेश सीमा का विवाद सुलझा। आप कह सकते हैं देखो, हमने अगर हमारे कार्यकाल में कर दिया होता तो मोदी तुम्हारा अचीवमेंट कहां होता है? ये तो तुम्हारे लिए हमने छोड़ के गए थे, आपकी की तो देन है। 60 साल के आपके ही कारोबार का ये परिणाम है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। हम लोग किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं ना, मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं। ये मेक इन इंडिया देश के लिए है। हाँ, सफल नहीं हुआ तो सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, सफल होने में क्या कमियां हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए। विश्वास बनाने का माहौल बढ़ाना है, ऐसे कोई नए सुझाव है तो आप जरूर दीजिए। मैं चाहूंगा कि सरकार आदत डाले, ये सरकार को भी कब सुधरना चाहिए,
इस सरकार में भी सुधार आने चाहिए और आपकी मदद के बिना नहीं आएंगे जी। आपकी मदद चाहिए मुझे, आप लोगों का साथ चाहिए, आपके अनुभव का मुझे लाभ चाहिए। मैं नया हूं, आप अनुभवी लोग हैं, आइए कंधे से कंधा मिलाकर के हम चलें और कुछ अच्छा काम कर करके देश के लिए दे करके जाएं। सरकारें आएगी जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, बिगड़ती बनती बात चलेगी। ये देश अजरा अमर है, देश रहने वाला है और देश की पूर्ति के लिए हम लोग काम करें, इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार राष्ट्रपति जी को आदरपूर्वक मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।